अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुभान रऊफ है और ये मेरा चैनल आप देख रहे हैं EWS Tech Expert। इसमें मैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करता हूँ। सो आज की वीडियो में ये है कि हम अर्जेंट डिग्री DMC का प्रोसेस कैसे फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो बच्चे पढ़ते रहते हैं, पढ़ने के बाद फिर डिग्री अपना बैचलर 16 ईयर्स कम्प्लीट करने के बाद फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कहीं भी प्रोसेस करना चाहते हैं। डिग्री उनके लिए कंपलसरी होती है, उन्होंने किया होता है, कॉन्वोकेशन लेट होती है और वो डिग्री के लिए वेट नहीं करना चाहते 1 से 1.5 साल का, तो वो अर्जेंट डिग्री के लिए प्रोसेस करना चाहते हैं DMC के लिए, ट्रांसक्रिप्ट के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊँगा, मैंने खुद जो अर्जेंट डिग्री प्रोसेस जो अर्जेंट डिग्री के लिए मैंने तरीक़ेकार इस्तेमाल किए हैं वही आपको मैं गाइड करूँगा और सारा कुछ A to Z आपको बताऊँगा। एफिलेटेड कैंपसेस के लिए भी और GC यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद की है उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस होगा। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन सब का सेम प्रोसेस होता है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होता है, सेम ही चलता है। सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाले दिनों में मैं आपके लिए बेस्ट एफिलेटेड कैंपसेस और जो एफिलेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरिट इतना हाई क्लास हो गया, मेरिट काफ़ी हाई हो गया, 90+ मार्क्स चाहिए होते हैं। सो आजकल स्टूडेंट्स के जिसके 50, 60, 70 वो कहाँ जाएँ बेचारे, और कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते तो फिर डेफिनेटली वो फिर एफिलेटेड कैंपसेस की तरफ इंतखाब करते हैं, लेकिन अगर उनको सही गाइड ना किया जाए तो उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं। सो उनके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं अर्जेंट डिग्री के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और वीडियो को स्किप ना करिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस पूरा एक तरह से गाइडेंस मिल जाए। आफ्टरवर्ड आप अप्लाई करेंगे आपके लिए भी आसानी होगी और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के साथ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता लगता जाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम से किए। सो दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप डिग्री के लिए आप कॉन्वोकेशन का वेट कर लें। कॉन्वोकेशन 1.5 साल तक होगी, 1.5 से 2 साल के बाद आफ्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट। सो यू हैव टू वेट फॉर 1.5 ईयर। अगर आप वेट नहीं कर सकते, वेट करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा। लेकिन जो लोग फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये प्रोसेस होगा डिफरेंट जो दूसरे वाला जॉर्जियन डिग्री वाला। सबसे पहले दो कैटेगरीज में हम बात कर लेते हैं। एक है एफिलेटेड कैंपसेस, एक है GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस या किसी भी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट की है, अफिलेटेड नहीं है, खुद मतलब HEC से रिकॉग्नाइज और सारा कुछ है। जो उसके लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले, जो GC यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद की बात की जाए तो वो उसका प्रोसेस भी सेम है और एफिलेटेड का भी सेम है, 19-20 का फ़र्क होगा। तो सबसे पहले हम GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात कर लें। तो GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में आपको उनके जो ऑनलाइन गूगल पर सर्च करना है, गूगल पर सर्च करने के बाद आपने सबसे पहले उसके गूगल में जाने के बाद आपने लिखना है GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, उनका पेज आएगा, उसमें जाने के बाद ऑल द वे डाउन जाएंगे, वहाँ डाउनलोड सेक्शन आएगा। सब डाउनलोड में जाने के बाद आपको मोबाइल फ़ोन के पर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपने डाउनलोड पर जाना है। डाउनलोड पर जाने के बाद आपने सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके पास सारे फॉर्म नीचे डिग्री के लिए आपके पास फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आपने पूरे तरीके से फिल करना है, अपना GCPA, अपनी डिग्री, अपना रोल नंबर, एवरीथिंग आपने इसको पुट करने के बाद 10,000 इसकी फ़ीस है अर्जेंट की, वो आपने इसके अंदर लिख देनी है और फॉर्म लेने हैं। फॉर्म लेने के बाद चलान फॉर्म इसको पे कर देना है और पे करने के बाद आपने ये सबमिट करवा देने डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका अर्जेंट डिग्री का जो होगा काम ख़त्म हो जाएगा, वो आपको विद इन 15 to 30 डेज, समटाइम्स 15 डेज भी मिल सकते हैं, समटाइम 30 और समटाइम 40 डेज भी लग सकते हैं। 40 डेज से ऊपर टाइम नहीं लगता, 40 डेज इनका मैक्सिमम होता है और विद इन 30 डेज हो जाता है काम। सो ये काम था जस्ट फॉर GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के लिए। अगर आप DMC के लिए अप्लाई करते हैं तो वो तो विद इन 1 डे हो जाता है DMC का, ट्रांसक्रिप्ट की, बैचलर की, वो भी 1 से 2 दिन में आपको हो जाती है। रिजल्ट अनाउंसमेंट आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स के बाद आपको मिल जाती है ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। सो अब ये डिग्री की बात हो रही थी, तो अब एफिलेटेड कैंपसेस का थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंट है। एफिलेटेड कैंपस से जो होते हैं, जो एफिलेट होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी के साथ और वो डिग्री जो देते हैं उनकी देते हैं, बट HEC रिकॉग्नाइज्ड भी होती है, सब कुछ होता है, बट वो प्राइवेट होते हैं, उनका मैरिट कम होता है, जिनके बच्चों के नंबर कम आते हैं, 50% से कम होते हैं, मतलब कि 60, 70, 80, 90 से बिलो होते हैं और यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं ले सकते या किसी तरीके से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी आउट ऑफ सिटी है। सो वो फिर एफिलेटेड कैंपसेस का रुख करते हैं। एफिलेटेड कैंपसेस भी वही चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बस ये है कि वो प्राइवेट होते हैं, अगर वो डिग्री और HEC की प्रोवाइड करते हैं। एफिलेटेड कैंपस में अपने अर्जेंट कॉन्वोके अगर आपने लेट हुई जो वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, मगर आपको ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ेंगी, ट्रांसक्रिप्ट के आपको पे करने पड़ेंगे। सब ऑफ ऑल आप अपना जब आप क्लियर हो जाएगा सब कुछ, आपके डॉक्यूमेंट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगी, देन आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेंगी। ट्रांसक्रिप्ट के लिए
आपको वो जो यूनिवर्सिटी की होती है, मेरा जो यूनिवर्सिटी थी एफिलेटेड कैंपस था, मैंने भी एफिलेटेड कैंपस से किया, मुझे 5,000 रुपीज़ देने पड़े और मुझे जब तब जाके मेरे ट्रांसक्रिप्ट मिले, उनमें उन्होंने सारी रिसीविंग ली के लाइब्रेरी से, इधर से उधर से कंप्यूटर, मतलब कि सारी रिसीविंग होने के बाद आप मेरे अकाउंट्स में, मतलब कि मैंने सारे अकाउंट, मतलब कि कोई बुक वगैरह, कोई यूनिवर्सिटी का कोई तोड़ा फोड़ा सामान ये सब कुछ वो क्लियर करके देन वो ट्रांसक्रिप्ट मिलती हैं, उसके 5,000 उन्होंने लिए और 200 रुपये कोई फॉर्म का होता है वो लिया और मुझे ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। देन उसके बाद आता है लास्ट प्रोसेस जो हमारी डिग्री है, अर्जेंट डिग्री। सो अर्जेंट डिग्री और एक होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, वो भी आप अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अर्जेंट डिग्री के लिए आपने क्या करना है, अर्जेंट डिग्री के लिए आपने जाना है अपने प्रिंसिपल का ऑफिस या आपके जो अकाउंटेंट होते हैं उनसे पूछ लें कि कौन डील कर रहा है इस बारे में, तो आपको गाइड कर देंगे। आप अपने ऑफिस में जाएं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ही करते हैं ज़्यादातर, या रजिस्ट्रार होता है, उसके बाद जाएंगे आप रजिस्ट्रार के पास। जाने के बाद आपने क्या करना है, उन्हें कहना है कि सर मैं अपनी अर्जेंट डिग्री अप्लाई करना चाहता हूँ, सो आप यूनिवर्सिटी से ही अप्लाई करवा दें, हमारे एफिलेटेड कैंपस से मैंने अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाना है, या डिफरेंट जो भी आपके सिनेरियो है उनको बता दें ताकि वो जल्दी करवा दें आपसे। वो कहेंगे ठीक है, मेरे सिनेरियो में मेरे से उन्होंने कहा था 12,500 फीस लेंगे और आपको डिग्री यहीं मिल जाएगी, तो मेरे को और क्या चाहिए, मुझे जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं तो पहले समझा कि फैसलाबाद जाना पड़ेगा और वहाँ जाके सारा कुछ करना पड़ेगा और मुझे वहाँ कुछ मिलन मिलाना नहीं, फिर आपको पता फिर सिस्टम आपको अंदर खाते। सो इस वजह से मैं इधर गया, इधर उन्होंने मेरा काम 12,500 में गए और 17,500 लिया और मेरे डिग्री का हो गया। डिग्री के लिए मैंने अप्लाई किया, विद इन 15 डेज मैक्स मुझे मेरी डिग्री मिल गई। वो कैंपस में आ गई, सर का फ़ोन आ गया कि आज अपनी डिग्री ले जो, आज ही मुझे मिली है, रिसीव हुई है। सो आज मैं अपने कैंपस जाके मैंने डिग्री ले ली। सो डिग्री मैंने कलेक्ट कर ली, कलेक्ट करने के बाद सर कोई इसमें इजाफी चार्जेस नहीं, वो डिग्री ऑफिशियल डिग्री थी GCUF से अफिलेटेड कैंपस जो मैंने किया था एफिलेटेड कैंपस से, वो ओरिजिनल ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट थे GCU यूनिवर्सिटी से, अच्छी से रिकॉग्नाइज थी वाकई। और मैं जब तो पहले डर था कि यार, मैं भी जब स्टूडेंट था तो मुझे भी होता था यार कि स्कैम ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि 4 साल होता है, 4 साल लगाना, उसके बाद पैसे भी जाते हैं, इन्वेस्ट होता है एक तरह से, काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं अपनी लाइफ का एक हिस्सा। सो वो फिर डिग्री मिल गई और मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ, तो उन्होंने कहा कि उनसे मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की भी डिमांड की, तो उन्होंने कहा विद इन 15 डेज आपको वो भी मिल जाएगा। सो यही था, सिर्फ दोनों में प्रोसेस सेम है। आपको वो एफिलेटेड कैंपस वाले ये भी कहेंगे कि आपने खुद जाके लेनी है, खुद जाके भी ले सकते हो, हमसे मंगवानी खुद, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा भाई ब्रादराना मशवरा है कि अपने एफिलेटेड कैंपस से करवा लेना, उनके ताल्लुकात होते हैं, हमारे इतने ताल्लुकात नहीं होंगे, हम खुद जाएंगे ना तो हम खचल खुआरी होके आएंगे भाई, खचल खुआरी अलग, जाना अलग, पेट्रोल अलग, फिर तो वापस कलेक्ट करना अलग। सो जो आपके सर या उनके रजिस्ट्रार होंगे उनके ताल्लुकात होते हैं इनके यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो फिर वो आपका जो काम है ना वो जल्दी करवा देंगे और आपका टाइम भी बचत होगी। इतनी देर आपने अगर बाहर जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो है वो इकट्ठे कर लें, मैं आप टाइम ज़ाया कर लें इस चीज़ में ना करें, तो एफिलेटेड कैंपसेस में आप खुद उनको कहेंगे वो मंगवा देंगे। फर्दर DMC और वो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जब ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट और ये सब कुछ क्लियरेंस के बाद एफिलेटेड कैंपस से मिलता है। सेम GCU यूनिवर्सिटी में भी आपके सारे क्लियरेंस होंगी, सब कुछ होगा, देन DMC आपको मिलेगी जो उनका रिजल्ट कार्ड होता है GCU यूनिवर्सिटी का। सो यही था, इसमें कोई इतना फ़र्क नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी सेम है, 19-20 का कोई फ़र्क होगा कोई डॉक्यूमेंट, बाकी सब में अर्जेंट डिग्री का यही मेथड है, विद इन 30-40 डेज आपको मिल जाती है। आफ्टरवर्ड अब्रॉड स्टडीज़ के लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और बेस्ट एफिलेटेड कैंपसेज इन लाहौर एफिलेटेड जो HEC से रिकॉग्नाइज हैं और रिकमेंड कर दूंगा आपके लिए, वीडियो बना दूंगा, इनके पोर्टल पे भी GCU यूनिवर्सिटी के हैं, वो मैं आपको सारी वीडियो डिटेल में बताऊंगा आपके लिए। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, डेफिनेटली मैं आपके लिए फिर वो वीडियो 1 से 2 दिन में बना दूंगा। अगर आप लोग नहीं करेंगे देन मैं भी अपसेट होऊंगा और नहीं बना पाऊंगा, आप सब सपोर्ट करें। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वो वीडियो पूरी देखी, अच्छा लगा और आप भी ये करवाना चाहते हैं तो आप भी ये कर सकते हैं। बाकी मुझे मेरा डिग्री और ये मिल गया है, अब जो अटेस्टेशन का है मैं लाइव प्रूफ अटेस्टेशन करवाने जाऊंगा, तो आपको लाइव गाइड करता रहूँगा इंटर और मैट्रिक के लिए भी और HEC से कैसे आपने अपने अटेस्टेशन करवानी है वो सब आपको मैं लाइव प्रूफ गाइड करूँगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी जो स्टेप है ना मिस ना हो जाए और आप भी प्रो हो जाएँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो न्यू कैंपसेस में दाखिला ले रहे हैं और जो मतलब कि जिनका डिग्री का मसला है वो ये करके अपना मसला हल करवाएं। और मेरी तरफ से दुआ है कि आप सब कामयाब हो। सो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।